Hello everyone, today we are going to learn singular and plural. See, you can see the pig in our projector, but first of all I will explain you what is singular and plural. Singular means one and plural means more than one. Singular means one and plural means more than one, means many. Okay, see, it is pencil, we can call it pencil, but more than one pencil we can call it pencils. Pencil, pencils. A ball, but more balls. Ball, balls. Ball, balls. Okay, then see, one flower pot. Pots, pot, pots. Generally जब हम plural form का कोई भी spelling जब plural form में लिखते हैं तो spelling के end में सिर्फ s add करना होता है. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए h u t her, यहाँ पे हमें एक ही हर दिया गया है, लेकिन यहाँ plural form में देखिए वन एंड टू मीन्स मोर देन वन हर्ड. तो उसका क्या किया, एच यू टी हर्ड का स्पेलिंग जो है वो सेम ही है, लेकिन लास्ट में एस को एड किया गया है, यानी हर्ड हर्ड्स. ओके, वैसे ही वन बॉल, बी ए डबल एन बॉल, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन बॉल, तो वन टू थ्री फोर, फोर बॉल्स आर देयर, यानी एक से ज्यादा बॉल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉल्स. ओके, ऐसे B A double L. देखिए मैंने पूरा स्पेलिंग लिखा बॉल का, लेकिन आखिर में हमें क्या करना है, सिर्फ S को एड करना है. ओके, बॉल, बॉल्स. C van, V A N, van. ओके, और यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा वैन है, तो हम क्या बोलेंगे, वैन्स. ये स्पेलिंग सेम ही इधर लिखना है, लेकिन स्पेलिंग के एंड में हमें एस को ऐड करना है. कैसे, देखिए वी ए एन वैन की स्पेलिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई, और प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए हमें एस को ऐड करना है, वैन, वैन्स. वैसे ही आगे बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखिए बनाना, एक ही बनाना है, वन सिंगल बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना, यहाँ पे थ्री बनानास है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम ही स्पेलिंग लिखेंगे, बी ए एन ए एन ए बनाना, और प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, एस को ऐड करना है. ओके, देखिए सिंगल बैट, बी ए टी बैट, मोर देन वन, यानी बहुत सारे है ना, तो हम क्या करेंगे, बैट की स्पेलिंग तो सेम ही लिखेंगे, लेकिन प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए हमें एस ऐड करना होगा. ओके, वैन, वैन्स, बनाना, बनानास, बैट, बैट्स. ओके, इसी तरह मैं आपको दूसरी हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी दिखाती हूँ. सी अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे क्या किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल की कॉलम्स दी गई है, कुछ स्पेलिंग्स है वो प्लूरल फॉर्म में है और कुछ सिंगुलर फॉर्म में है. जो सिंगुलर फॉर्म में है उनको हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है, और जो पहले से प्लूरल फॉर्म में है उनको हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना है. तो कैसे हम लिखते हैं, देखिए पहले क्या है, बी ओ वाई बॉय. अब प्लूरल फॉर्म में करने के लिए बी ओ वाई एंड लास्ट में एस एड करना है, बॉय, बॉयज. सी E by ES, eyes. ये पहले से प्लूरल फॉर्म में है और हमें सिंगुलर फॉर्म में करने के लिए सिर्फ S को हटा देना है. E Y E, ये सिंगुलर फॉर्म में हुआ, अगर S लगा है तो प्लूरल फॉर्म. ये देखिए B A double L ball, हमें इसे प्लूरल फॉर्म में लिखना है, B A double L और S को ऐड करना है, balls. वैसे ही सेम H A T hat को
हेड्स में चेंज करना है, एच ए टी एस हेड्स, ए डबल पी एल ई एस, ये प्लूरल फॉर्म है, इसको सिंगुलर में लिखने के लिए एस को हटा देना है, ए डबल पी एल ई जी आई आर एल गर्ल। हम क्या लिखेंगे प्लूरल फॉर्म में, जी आई आर एल एस। ओके सी डी ओ डबल एल डॉल, इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, डी ओ डबल एल एस डॉल्स। ओके एस एड किया, बी ए टी एस बैट्स, पहले से एस एड है, सिंगुलर फॉर्म में जाते ही निकल देना है, बी ए टी बैट, जी आर ए पी एस ग्रेट्स, यहाँ पे भी एस निकल देना है, जी आर ए पी ई ग्रेट, एफ आर ओ जी फ्रॉग, प्लूरल फॉर्म में जाते ही एस को एड करना पड़ेगा, एफ आर ओ जी एस फ्रॉग्स। ओके दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन अवर इंग्लिश प्रिंटेड बुक। थैंक यू।